गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास प्लस टू। चैप्टर सेकंड टू सिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज चैप्टर नंबर सेवन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर सेवन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन न्यू टॉपिक है, नया चैप्टर है। हमने प्लस वन क्लास में ऑलरेडी कर लिया है इसको। प्लस वन में हमने क्या क्या किया था? लिमिट डेरिवेटिव किया था, अलजबरा ऑफ डेरिवेटिव किया था, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनके बारे में हमने प्लस वन क्लास में कर लिया था। अब हम एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव करेंगे, लॉगरिथम का डेरिवेटिव इस चैप्टर के अंदर हम करेंगे। डेरिवेटिव प्लस वन में हमने क्या किया था? एफ डैश एक्स, प्लस टू में भी किया था हमने लिमिट एंड डेरिवेटिव टॉपिक में। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। यही फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव आपके निकलवाएगा तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। आगे हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव के, वे ध्यान रखना है। सबसे पहले डेरिवेटिव को लिखने का डी बाई डी एक्स डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम करते हैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव करते एफ एक्स, तो इसको क्या लिखेंगे? एफ डैश एक्स। क्या लिखेंगे? एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कोई पहले हम एक्स स्टार्ट करते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? वन। एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? वन। इसके लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एफ एक्स पावर एन का डेरिवेटिव, एन आगे एक्स पावर एन माइनस वन, ये आपका मेथड है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट कि डिफरेंशियल करेंगे किसी फंक्शन का, मतलब एक्स पावर एन का, तो एन एक्स पावर एन माइनस वन, ये आपका एक वैल्यू का डिफरेंशियल हो जाएगा। देखो डी बाई डी एक्स, मैंने आपको क्या बताया, एक्स की पावर वन होती है, तो वन आगे एक्स पावर वन माइनस वन, ये क्या हो जाएगा? वन एक्स पावर जीरो, एक्स की पावर जीरो क्या होती है? वन, तो इसके मतलब वन हो जाएगा। अब डी बाई डी एक्स ए एक्स, ए इज एनी ऑफ रियल नंबर ए एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? ए, एक्स के डेरिवेटिव वन, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? ए हो जाएगी। ध्यान रखना इनको। डिफरेंशियल करेंगे हम कोई भी रूट एक्स का, इसका मतलब क्या है? डी बाई डी एक्स एक्स की पावर वन बाई टू, तो वन बाई टू आके एक्स पावर वन बाई टू में वन हेड सब्ट्रैक्ट कर दे, तो वन बाई टू एक्स पावर माइनस हाफ, तो इसको क्या लिखेंगे? वन बाई टू रूट एक्स। क्या लिखेंगे? वन बाई टू रूट एक्स। तो अब डायरेक्ट ध्यान रखेंगे रूट एक्स का डेरिवेटिव वन बाई टू रूट एक्स, मतलब डी वाई डी एक्स रूट एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे वन बाई टू रूट एफ एक्स। अब डेरिवेटिव किसका? देखो पावर का हो गया, फिर फंक्शन का एफ एक्स का, इसको हम क्या लिखेंगे? वन बाई टू रूट एफ एक्स एफ डैश एक्स। ठीक है, याद रखना डेरिवेटिव क्या होता है, ये कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव करने से पहले
उसकी हम पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे, फिर अंदर वाले वैल्यू फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो डेरिवेटिव में ये बात जरूर ध्यान रखना, हाईएस्ट वैल्यू, आगे देखें, कोई फंक्शन है, जैसे हम क्या करते हैं लिमिट में करते थे, लिमिट एक्स टेंस टू ए या लिमिट एक्स टेंस टू ए, कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन का क्या रह जाता था, ओनली कांस्टेंट वैल्यू रह जाती थी, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स होता था। तो इसको हम क्या लिखते थे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, ऐसे ही डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव में क्या करेंगे, यदि हमारे पास डिफरेंशियल कर रहे हैं, हम डेरिवेटिव कर रहे हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स का, मतलब दो फंक्शन है, तो इसको लिखने का तरीका क्या हुआ, एफ डैस एक्स, या सॉरी इसको पहले हम अलग अलग कर लेंगे, डी बाई डी एक्स किसका, एफ एक्स का, प्लस डी बाई डी एक्स जी एक्स। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या लिख देंगे, एफ डैस एक्स, और जी एक्स को जी डैस एक्स। डैश का मतलब है फर्स्ट टाइम, वन टाइम डेरिवेटिव। टू डैश का मतलब हो जाएगा ऊपर, यदि टू डैश लग जाए जैसे एफ डबल डैश एक्स, तो इसका मतलब क्या है, डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर एफ एक्स, मतलब टू टाइम डेरिवेटिव का मतलब हो जाएगा टू टाइम डेरिवेटिव। कुछ नॉर्मल से मेथड है, ध्यान रखें, एफ एक्स माइनस जी एक्स होगा, डिफरेंशियल करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स माइनस जी डैक्स एक्स, एफ डैश एक्स माइनस जी डैक्स एक्स। जब ये दोनों मल्टीपल में हो, इसको यू इंटू वी बोल देंगे, यू इंटू वी फॉर्मूला, यू वी फॉर्मूला भी बोल देते हैं, यू इंटू वी, यू सेम वी का डेरिवेटिव प्लस वी सेम यू का डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, यू इंटू वी। मल्टीप्लिकेशन जब भी हो, कोई दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन है, तो यू सेम वी का डेरिवेटिव प्लस वी सेम यू का डेरिवेटिव, इसको हम करेंगे। यदि एनी ऑफ टू फंक्शन इज डिवाइड यू इंटू वी, कि दो फंक्शन कोई है यू इंटू वी, क्या करेंगे, v सेम डेरिवेटिव ऑफ u, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस u सेम डेरिवेटिव ऑफ v, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिवाइड बाई v स्क्वेयर। ये हमारे पास छोटे छोटे मेथड हैं, फॉर्मूले हैं, ये ध्यान रखना है। अब देखें हमने क्या किया था, डिफरेंशियल ऑफ x पावर n, n आगे x पावर n माइनस वन, मतलब हाईएस्ट पावर का पहले डेरिवेटिव, फिर उसके पावर में से एक घटा देंगे फर्स्ट। सेकंड है डिफरेंशियल ऑफ ए एक्स प्लस बी पावर एन, तो क्या लिखो, एन आगे ए एक्स प्लस बी, पावर को आगे लिख देंगे एन माइनस वन, और अब डिफरेंशियल किसका, अंदर वाले फंक्शन का ए एक्स प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, एन ए एक्स प्लस बी एन माइनस वन इंटू ए। फर्स्ट एक्सरसाइज में केवल ये दो फॉर्मूले ही यूज होंगे, अच्छे से करना इनको, ध्यान लगा के देखो। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 7.1 हम स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, डिफरेंशियल The following function with respect to x, x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशियल करना है। फर्स्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 15x स्क्वायर माइनस x प्लस वन, इसका डिफरेंशियल आपको करना है। तो यहाँ क्या लिखोगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट x के रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो y का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, dy वाई बाई डी एक्स। देखो पहले पावर है इसकी 1/2, तो 1/2
पहले पावर का 1 बाई टू सेम फंक्शन 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, अब इनटू डिफरेंशियल किसका, रूट के अंदर, रूट के अंदर क्या फंक्शन है, ये फंक्शन है 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, करो भाई। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई टू सेम 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, डिफरेंशियल करो, x स्क्वायर का डिफरेंस क्या हो जाए, x पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है, क्या होता है n आगे x पावर n माइनस वन, तो वही लगा दो इसमें, तो 15 पहले ही था इंटू टू एक्स पावर वन माइनस एक्स का वन, और कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो जीरो हो जाएगा। तो सोल्व करो इसको, ये क्या हो जाएगा 30x माइनस वन डिवाइड बाय 2 इंटू 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये इसका आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर सेकंड, y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन, बहुत इजी है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिलता हमें, y का डिफरेंशियल dy वाई बाई डी एक्स, से मान लेते हैं दैट y की इक्वल, x का डेरिवेटिव क्या हो जाए 1 प्लस रूट का डेरिवेटिव 1 बाई टू सेम फंक्शन, अब डेरिवेटिव किसका, अंदर वाले फंक्शन का, सोल्व करें 1 प्लस 1 बाई टू एक्स क्यूब माइनस वन, एक्स क्यूब का मतलब पावर आगे 3x स्क्वायर और 1 का क्या हो जाएगा जीरो, सोल्व करो इसको 1 प्लस 3x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस वन, ये आंसर हो जाएगा इसका। अंडरस्टैंड कर सकते हो। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है फर्स्ट का, वाई इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 5 पावर 2, u बाई वी से भी कर सकती हो, बट ऊपर x वेरिएबल नहीं है तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो 3 इंटू इसको ऊपर ले जाते हैं, डिनोमिनेटर को जब न्यूमेटर में ले आए तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव, नेगेटिव, सोल्व करें dy वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशियल कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, कॉन्स्टेंट का कॉन्स्टेंट माइनस टू आ, 2x स्क्वायर प्लस 5 पावर माइनस टू में एक और सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, अब डिफरेंशियल किसका, देखो अभी डिफरेंशियल किया हमने पावर का, अब अंदर वाले फंक्शन का 2x स्क्वायर प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 6 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5 पावर क्या हो गई माइनस 3, सोल्व करें तो 4x प्लस 0, ये क्या आ जाएगा आपका माइनस 6 की 4 की मल्टीप्लिकेशन माइनस 24x डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 5 पावर क्या हो जाएगी इसकी 3, ये रिजल्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड, फोर्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 पावर ऑफ 5 बाई 3 इंटू एक्स प्लस 5 पावर ऑफ माइनस 1 बाई 2, देखो हमने क्या किया, ये इस फंक्शन को u मान लेते हैं
इसको वी मान लेते हैं क्योंकि दो फंक्शन हो गई, यू इंटू वी। फॉर्मूला क्या था हमारा यू इंटू वी का, क्या था, डी वाई बाई डी एक्स, वी सेम यू का डेरिवेटिव प्लस यू सेम वी का डेरिवेटिव। एक फंक्शन सेम वी सेम यू का डेरिवेटिव प्लस यू सेम वी का डेरिवेटिव, ये मेथड लगा देंगे हम इसमें। देखो डी वाई बाई डी एक्स, लास्ट वाला सेम, एक्स प्लस फाइव पावर माइनस हाफ सेम, डेरिवेटिव किसका, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, पावर क्या है माइनस टू बाई थ्री, प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री पावर माइनस टू बाई थ्री सेम, डिफरेंशियल किसका भाई, एक्स प्लस फाइव पावर माइनस हाफ, इसका डेरिवेटिव करो, ये सेम एक्स प्लस फाइव पावर माइनस हाफ करो डेरिवेटिव, माइनस टू बाई थ्री है पावर में तो इसको आगे कर दो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू बाई थ्री टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, माइनस टू बाई थ्री में हम वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनटू डेरिवेटिव किसका, अंदर वाले फंक्शन का, तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है फोर एक्स, तो ये टू आ गया ना प्लस जीरो, प्लस अब टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री पावर माइनस टू बाई थ्री सेम, माइनस हाफ आ गया, एक्स प्लस फाइव पावर माइनस हाफ में वन और सब्ट्रैक्ट कर दो, और डेरिवेटिव अंदर वाले फंक्शन का, एक्स का डेरिवेटिव वन और फाइव का कॉन्स्टेंट नंबर का जीरो हो जाएगा। सोल्व करो इसको, माइनस एट बाई थ्री एक्स इंटू क्या हो जाएगा, देखो माइनस एट बाई थ्री एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव पावर माइनस हाफ इंटू टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री पावर क्या हो जाएगा, माइनस टू बाई थ्री में माइनस वन सब्ट्रैक्ट करें माइनस फाइव बाई थ्री, स्टूडेंट्स यहाँ फाइव बाई थ्री को हम माइनस टू बाई थ्री कर लेते हैं क्योंकि माइनस टू बाई थ्री के रिस्पेक्ट से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है, तो माइनस टू बाई थ्री करें तो माइनस फाइव बाई थ्री, आगे सोल्व करें प्लस माइनस 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 हाफ टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री पावर माइनस टू बाई थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव की पावर क्या हो जाएगी माइनस थ्री बाई टू, इसको आगे कॉमन निकाल लें और सोल्व कर लेना इसको। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सम नंबर फाइव सेकेंड सॉरी सेकेंड सम देखिए फर्स्ट पार्ट, y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखो डबल रूट है ये, करें डिफरेंशियल करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy वाई बाई डी एक्स, पहले अपर पावर की, अपर पावर का डिफरेंस क्या है वन बाई टू सेम फंक्शन, अब डी बाई डी एक्स इसका अंदर वाले फंक्शन का, अंदर वाले फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आगे सोल्व करें इसको वन बाई टू सेम देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस रूट का डेरिवेटिव वन बाई टू सेम, अब ए स्क्वायर का देखो अंदर वाला फंक्शन भी रह गया ना इसमें भी, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो एक्स स्क्वायर का टू एक्स, करो सॉल्व इसको वन बाई टू सेम फंक्शन
प्लस 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचा यहाँ पर, x डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। सोल्व करो इसको आगे, 1 बाई 2 सेम फंक्शन, ये इसके डिवाइड में है ध्यान रखना, इनटू में था ये, पर प्लस नहीं है सॉरी, इनटू में ही यहाँ पर, इनटू एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बच गया 2 प्लस 1 डिवाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। इसको सोल्व कर लें, एलसीएम लेके सोल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सेकंड का सेकंड पार्ट, देखिए y इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। देखो y का डेरिवेटिव क्या गया, dy बाई डी एक्स, रूट का डेरिवेटिव क्या था 1 बाई 2 सेम फंक्शन, कंप्लीट को हमें उठा के डिनोमिनेटर में ले आए। अब डेरिवेटिव किसका, अंदर वाले फंक्शन का, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। हमने फॉर्मूला क्या किया था, u बाई वी का, v सेम u का डेरिवेटिव माइनस u सेम v का डेरिवेटिव डिवाइड बाई v स्क्वेयर, ये फार्मूला इसमें यूज कर देंगे क्योंकि u और v दो फंक्शन हैं u बाई वी। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, 1 बाई 2 सेम ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। सोल्व करें इसको, u बाई वी, तो v सेम नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव मतलब एक्स ए स्क्वेयर का 0, एक्स स्क्वेयर का 2x माइनस ऊपर वाला सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या जाए माइनस 2x डिवाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस माइनस सॉरी v स्क्वेयर है ना यहाँ पर, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर। सोल्व कर लें इसको, रिजल्ट निकल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज आपका इतना ही, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान से कर लें और यह एक्सरसाइज हो सके कंप्लीट करने की कोशिश करना, अदरवाइज कल मैं करवा दूंगा। थैंक यू एंड गुड डे एंड हैव अ नाइस डे।